जंगल। साथियों, लोकतंत्र के इस महान पर्व पर आपका स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करने आया हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती, आग्रह और निवेदन करने आया हूँ कि आने वाले 7 तारीख को हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। ये धरती पीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और इस देश की आजादी के नायकों की धरती है जिन्होंने अपने कुर्बानी को देकर इस देश की आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह धरती वो धरती है कि आज भी कोई ना कोई हर परिवार से आज सीमा की सुरक्षा में, रक्षा में देश के लोग अमन चैन से रह सके, देश के लोग आराम से सो सके, देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मजबूती के साथ सीमा पर डटे हुए हैं। ऐसी धरती जो वीर अब्दुल हमीद साहब की धरती है, ऐसी धरती जो क्रांतिकारियों की धरती है, ऐसी धरती को मैं सब सब नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में है और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की परिस्थिति क्या है। जिस सरकार ने वादा किया था दवाई लिखाई शिक्षा मुफ्त देंगे, रोजी रोजगार देंगे, जिसने वादा किया था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, गन्ने का 14 दिन में भुगतान करेंगे, अगर भुगतान समय से नहीं दिया तो ब्याज सहित भुगतान की बात की थी। सरकार ने कहा था आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, सरकार ने कहा था मुफ्त शिक्षा देंगे, रोजी रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन 5 वर्ष बीत गए, इस सरकार ने न रोटी दिया, न रोजी दिया, न शिक्षा दी, न बेरोजगारी दूर की, न किसानों का आय दुगुना हुआ, न किसानों के गन्ने का दाम दिया। आज उत्तर प्रदेश किस मुकाम पर खड़ा है, बेरोजगारी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, गरीबी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। 1 लाख देंगे, 4 लाख नहीं दिए, हम कह रहे हैं 12 लाख सरकारी खाली पद पहले हम भरेंगे, फिर हम कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार और बनाएंगे। कैसे? किसानों को सशक्त करके, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को सशक्त करके। आप जैसे नौजवान अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहे, आपको सरकार 5 लाख रुपए 1% ब्याज पे देगी। आपकी भर्ती की प्रक्रियाएं जो धूमिल हो चुकी हैं, उनको पारदर्शी बनाएंगी। कैसे बनाई जाएंगी? एक टाइम टेबल कैलेंडर होगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपने परीक्षा दी, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। और अगर इसमें किसी ने भ्रष्टाचार किया तो एक कानून लाएंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जहां हुनर है वहां हुनर के लिए सारी सुविधा मिलेगी, जैसे बनारस में साड़ियों का है, मुरादाबाद में पीतल का है, आगरा में किसी और चीज का है, वहां पे सुविधा पूरी दी जाएगी, खास तौर से नौजवानों की को, कि आप अगर उस हुनर को लेकर कुछ बनाना चाहे तो सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। किसान भाइयों और बहनों के लिए पहले भी कर्ज माफ किया था कांग्रेस ने, फिर से माफ करेगी, पूरा कर्ज माफ होगा। सांप की बिजली बिल आदि कराएंगे और जिसका कोरोना का सबसे बकाये से, बिजली के बकाये से जिसकी कमर टूट रही थी उसका बकाया साफ किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में गेहूं और धान 2500 में मिल रहा है, वैसे आपको भी मिलेगा गन्ना 400 का। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छुट्टे जानवर की समस्या सुलझाई गई है, कि जनता को कहा कि आप छुट्टे पशु को अपने घर में रखिए, इसका देखभाल करिए, सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी, मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, सुलझा दी समस्या। आप 5 सालों से जूझ रहे हैं, वहां 2 सालों के अंदर अंदर समस्या खत्म, जनता घर में जानवर को रख रही है,
सरकार गोबर खरीद रही है 2 रुपए किलो के भाव पे। साथियों, लोकतंत्र के इस महान पर्व पर आपका स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन करने आया हूँ और आपसे हाथ जोड़कर विनती, आग्रह और निवेदन करने आया हूँ कि आने वाले 7 तारीख को हाथ के पंजे चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने का काम करिएगा। ये धरती पीरों की धरती है, शहीदों की धरती है और इस देश की आजादी के नायकों की धरती है जिन्होंने अपने कुर्बानी को देकर इस देश की आजादी दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह धरती वो धरती है कि आज भी कोई ना कोई हर परिवार से आज सीमा की सुरक्षा में, रक्षा में देश के लोग अमन चैन से रह सके, देश के लोग आराम से सो सके, देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए मजबूती के साथ सीमा पर डटे हुए हैं। ऐसी धरती जो वीर अब्दुल हमीद साहब की धरती है, ऐसी धरती जो क्रांतिकारियों की धरती है, ऐसी धरती को मैं सब सब नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अंतिम चरण में है और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की परिस्थिति क्या है। जिस सरकार ने वादा किया था दवाई लिखाई शिक्षा मुफ्त देंगे, रोजी रोजगार देंगे, जिसने वादा किया था कि किसानों का आय दोगुना करेंगे, गन्ने का 14 दिन में भुगतान करेंगे, अगर भुगतान समय से नहीं दिया तो ब्याज सहित भुगतान की बात की थी। सरकार ने कहा था आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, सरकार ने कहा था मुफ्त शिक्षा देंगे, रोजी रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन 5 वर्ष बीत गए, इस सरकार ने न रोटी दिया, न रोजी दिया, न शिक्षा दी, न बेरोजगारी दूर की, न किसानों का आय दुगुना हुआ, न किसानों के गन्ने का दाम दिया। आज उत्तर प्रदेश किस मुकाम पर खड़ा है, बेरोजगारी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, गरीबी में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, कुपोषण में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, शिक्षा की गिरती हुई व्यवस्था में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। चलिए जहार भाई, आप हैं आप है तो हम लोग तो बस वही बात है। बोलिए अब क्या चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लिए? कांग्रेस को वोट दीजिए, जिताइए और क्या। कांग्रेस को वोट दीजिए, जिताइए। कांग्रेस को क्यों वोट दें? क्योंकि विकास करेगी, रोजगार देगी, बढ़िया कराएगी। हेलो बोलिए। हाँ, तो विकास करेगी, रोजगार देगी, ईमानदारी से काम करेगी। इस वक्त आप कहाँ आए हुए थे? गाजी की रैली में। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए। अहमदाबाद गाजीपुर। चलिए और